हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 मार्च 2019 की प्रीलिम्स सबमिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। देखो, जो क्वेश्चंस है वो मैं आज भी प्रिपेयर नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो वहाँ पे कुछ मेरे फोन में इश्यूज हो गए टेक्निकल वगैरह, उसकी वजह से इंटरनेट का इशू था, तो मैं लेक्चर वगैरह अपलोड है वो नहीं कर पाया था। तो जो प्रीवियस जो लेक्चर पेंडिंग है उनको हम आज इवनिंग तक अपलोड है वो यहाँ पे कर देंगे। जो पहला आर्टिकल आज का वो आया है यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 को लेके। देखो, आपको पता है कि इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफी सारे कैंपेन हैं, वो चले गए हैं, और इसमें अभी टाइम टू टाइम सर्वे वगैरह किए जाते हैं कि भाई किस तरीके का काम है, वो क्या जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण किए जाते हैं वो क्या जाते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, या कौन सी है, MOHUA। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इस मिनिस्ट्री के द्वारा स्वच्छ भारत का सर्वे है वो किया जाता है। और अभी 2011 के जो सर्वे की अवार्ड्स हैं वो डिक्लेयर किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तो है कंटेक्स्ट। तो इसमें एक तो आपको मिनिस्ट्री है वो ध्यान में रखनी है। इसमें ये बताया गया कि इंडिया की जो सबसे क्लीनेस्ट या सबसे साफ जो सिटी है वो है इंदौर। देखो, इंदौर लगातार तीसरी बार है वो साफ से, हम बोलते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ सिटी के तौर पर सामने आई है कि जो कि क्लीन है वो रहती है। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसके साथ इसमें यह आया है कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया, यानी कि नई दिल्ली का जो म्यूनिसिपल काउंसिल का जो एरिया है वो वर्ल्ड इंडिया का क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड दिया गया है उसको। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब अगर स्मॉल सिटी क्लीनेस्ट के अवार्ड की बात करें तो वो नई दिल्ली को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। ये आपको फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। बाकी देखो, उसमें रैंकिंग दी गई है कि टॉप 5 सिटीज की बात करें तो उसमें इंदौर नंबर 1 पे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया सेकंड नंबर पे सिटी दी गई है अंबिकापुर, तीसरे नंबर पे दिया गया मैसूर, चौथे पे गया उज्जैन, और पांचवे पे दी गई है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो नंबर 1 पे रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़, इसके बाद में झारखंड, फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पे गुजरात। तो यूपीएससी इनकी सीक्वेंस भी पूछ सकती है, किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं वो फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है, कौन सर्वे किया करवाता है ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। देखो, आपको पता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट एक फेम स्कीम लेके आई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हेवी इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम थी। इसका मेन मोटो ये था फेम स्कीम का कि भाई हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसको प्रमोट करना है, और इसके लिए काफी सारे जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए रिसर्च वगैरह भी करनी है। अब जैसा देखो, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें मेन पार्ट क्या होता है, बैटरी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना कि बहुत जल्दी तो बैटरी चार्ज हो जाए और काफी लंबी उसकी परफॉर्मेंस रह सके। तो ये काफी बड़ा चैलेंज रहा है, और इसीलिए हमारे देश में गवर्नमेंट मिशन लेके आई है कि भाई जो जिससे चैलेंजेस हो गए, जिस तरीके से एक दो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर हम बैटरी स्टोरेज की बात करें, उन सबसे निपटने के लिए गवर्नमेंट मिशन लाया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। कि भाई बैटरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लंबे टाइम तक ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में बैटरी डिस्चार्ज वगैरह हो जाए। इसके साथ ही देखो, ये आपको ध्यान में रखना है कि मेनली जो ये मिशन है वो नीति आयोग की अध्यक्षता या नीति आयोग की सीईओ में किया गया। नीति आयोग की अध्यक्षता में एक स्टेयरिंग कमेटी बैठी थी, तो उसकी अध्यक्षता में इसका मोटो ये था कि भाई क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट हमें करना है सस्टेनेबल यूज से, और जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें सही ढंग से इनका यूज है वो हो सके। और इसी के साथ ही इसमें मिशन में एक ये भी चीज लॉन्च की गई है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, मतलब हमें फेज वाइज काम है वो करना है। जैसे कि पहले बैटरी के चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है, इसी के साथ फिर हमें दूसरे फेज पे ध्यान में देना है कि जो मोटर है वो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, इसके साथ ही परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो हमें फेज वाइज काम है वो करना है, और इसीलिए फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ ही जो मेक इन इंडिया पे भी फोकस किया गया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो इंडिया में ही बनाए जाएं, बाहर से कम इंपोर्ट है वो किया जा सके। देखो, अभी क्या होता है कि हमारे देश में जो बैटरी यूज की जाती है, मेनली जो लिथियम आयन बैटरी होती है सबसे अच्छी क्वालिटी की, वो इंडिया मैक्सिमम चाइना से इम्पोर्ट है वो करता है। तो इंडिया की कोशिश ये रहेगी भी कि भाई मेक इन इंडिया के तहत जो बैटरी वो इंडिया में प्रोड्यूस की जा सके, ताकि इंडिया के लोगों को रोजगार भी मिले और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वो सस्ती रेट में भी इंडिया को उपलब्ध है वो हो सके। तो इन सब के लिए ये नया मिशन आया है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई मिशन है किस किस का क्या क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है मॉनिटर सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। देखो, इस सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई इंडिया के अंतर्गत जो मेन और वुमेन में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कुछ फैक्ट इसमें दिए गए हैं। बट एक फैक्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि सर्वे जारी किया रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। ये देखो, सर्वे है वो पब्लिश किया जाता है मेनली, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक वेबसाइट है, एक हम बोलते हैं कंपनी है वैसे तो, जिसका नाम है यहाँ पे paycheck.in,
और इसी के साथ IIM जो अहमदाबाद है वो एक इसका रिसर्च पार्टनर है। इन दोनों कंपनीज ने मिलके ही बेसिकली सैलरी इंडेक्स रिपोर्ट है वो पब्लिश की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है कि नीति आयोग का यह प्रोग्राम है, उसने इंडेक्स जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है भाई ये एक तो पेटेक डॉट इन कंपनी है, इसके साथ ही IIM अहमदाबाद है, ये दोनों ने रिसर्च पार्टनर के तौर पे इसको क्लियर है, वो मतलब कोलैबोरेट पे सामने लाया है। इस सर्वे के जो इस बार का टाइटल है वो रहा गया है वुमेन ऑफ इंडिया INC, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट के कुछ फैक्ट की बात करें, दो तीन मोटे मोटे, एक फैक्ट में तो ये बताया गया है इस सर्वे का जो मेन बेस है वो ये कहा गया है कि वुमेन को मेन की कंपेरिज में 19% कम सैलरी मिलती है। पहला फैक्ट तो ये दिया गया कि भाई मैन है उसकी कंपेरिज में वुमेन को 19% सैलरी कम मिलती है। इसके साथ इसमें यह बताया गया है कि 60% जो वर्किंग वुमेन है उनका ये मानना है कि उनके साथ वर्क प्लेस में भेदभाव है वो होता है। इसके साथ ये बताया गया है कि अगर हम बात करें जो ग्रोस और सैलरी की बात करें मेन की, वो तो है इंडिया में पर ओवर के हिसाब से, मतलब ये मानो कि एक जो मेल पर्सन काम करता है किसी भी कंपनी में तो उसकी अगर एवरेज ग्रोस सैलरी हम देखें तो वो रहती है 242.49 रुपीज 242.949 रुपीज पर ओवर, और बात करें वहीं पे वुमेन की तो वो रहती है काफी कम, तो ये हमें वुमेन की अगर बात करें तो वो रहती है 196.3 रुपीज पर ओवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेन और वुमेन में भी कितना डिस्क्रिमिनेशन है हो रहा है, तो ये इंडेक्स इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो एक्चुअली आर्टिकल था वो था टाइप बैंकों के टाइप जो ATM होते हैं उनको टाइप को लेके, कंटेक्स्ट तो ये था कि अभी RBI है उसने जो ATM है व्हाइट लेबल ATM है इनके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की है। तो देखो यूपीएससी गाइडलाइन तो हमें नहीं पूछेगी बट हमें कुछ ATM के टाइप पता होना चाहिए। एक तो आपने नाम सुना होगा काफी बार व्हाइट लेबल ATM, एक आपने सुना होगा ब्राउन लेबल ATM, मेनली ये दो तरह के ATM का नाम हमने काफी बार न्यूज में सुना है, तो इनके बारे में हम मेनली देखते हैं। बाकी और भी हैं जैसे कि ग्रीन हुआ, ऑरेंज हुआ, येलो, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखो व्हाइट लेबल ATM का मतलब ये होता है कि कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो बैंक के तौर पर काम नहीं कर रहा हो, वो उस ATM को, वो उस ATM का ओनर है और वो उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मैंने अगर कोई भी ATM है वो उसको टेक्निकली, वैसे खैर एग्जांपल इनकरेक्ट है कि मैं उससे कोई भी ATM में उसको लगा देता हूँ और उसको ऑपरेट भी मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर कैश वगैरह सारा काम मेरे अंडर, मतलब मेरे अंडर में हो रहा है, बाकी जो कैश है वो मुझे जो बैंक है वो दे रहा है। जैसे मान लो कि किसी बैंक को मैं स्पॉन्सर करके चल रहा हूँ, मैंने XYZ ATM खोल दिया, XYZ ATM की मशीन लगा दी। अब होगा क्या ये अगर व्हाइट लेबल ATM, इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेट वगैरह तो कर रहा हूँ मैं इसको सारा सब कुछ मैं, बट जो उसमें पैसा वगैरह डालना है टेन टू टेन वो पैसा कौन देगा मुझे, वो पैसा मुझे जो भी ATM को स्पॉन्सर करने वाला कोई बैंक होगा वो बोल देगा, जैसे SBI बोलता है कि भाई ठीक है आपको पैसा हम देंगे, आप इस ATM को देख रेख सारा काम आपका है, आप इसको मेंटेन सब ध्यान रखिए, हम आपको पैसे वो दे रहे हैं, बस आप इसमें टाइम टू टाइम पैसे डालते रहो, वो तो हो गया व्हाइट लेबल। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो इसका ओनर होता है, जो ऑपरेशन होता है वो तो होती है नॉन बैंकिंग एंटिटी, और जो कैश इसमें दिया जाता है वो जाता है स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा, वो तो होगा व्हाइट लेवल ATM। ब्राउन लेवल अगर ATM की बात करें, इसका मतलब क्या है कि उस ATM का ओनर भी बैंक की है, ऑपरेशन है वो सारे काम, ऑपरेशन हुआ उसका मेंटेनेंस हुआ वो सारे थर्ड पार्टी के द्वारा करवाए जाते हैं। जिस जगह जगह पे कई जगह ATM लगे हो आपने देखा होगा, जहां पे क्या होता है बैंक तो आके उसको, बैंक ही उसका ओनर होता है, बट जो बाकी उसके सारे काम है, ऑपरेशन हुआ उसमें मेंटेनेंस पैसे वगैरह हुआ, वो सारे थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाता है। मतलब नाम केवल जैसे SBI का लगा रहेगा, बाकी उसमें पैसा डालना है वो कोई थर्ड पार्टी आके करके जाती है अकाउंट पे, तो वो हो जाता है ब्राउन लेवल ATM। इसके साथ ही ग्रीन लेवल ATM का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए यूज है वो होता है, ऑरेंज लेवल ATM का मतलब ही होता है कि जो जो ट्रांजेक्शन शेयरिंग शेयर वगैरह के लिए होते हैं वो यहाँ पे ऑरेंज लेवल में यूज किए जाते हैं, और येलो लेवल ATM का मतलब है कि जो ई कॉमर्स सेक्टर के लिए यूज है वो होता है, पिंक लेवल का वो मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि वुमेन बैंकिंग के लिए जो ATM यूज होते हैं उनको पिंक लेवल ATM कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे है व्हाइट और ब्राउन लेवल, इनमें हमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, ब्राउन लेबल ATM का मतलब ये होता है कि भाई उसका ओनर है वो बैंक है, ये ध्यान रखना, ब्राउन लेबल में ओनर बैंक होता है, व्हाइट लेबल में जो ओनर है वो कोई थर्ड पार्टी होती है, और व्हाइट लेबल में जो पैसा है वो देता है बैंक देता है, और ब्राउन लेबल में जो पैसा वगैरह है वो थर्ड पार्टी देती है, तो दोनों अपोजिट है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ओनर कौन होता है, कौन पैसे वगैरह देता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है GI Tech को लेके, कंटेक्स्ट आया है इडुकी जो कि आता है केरला में, वहां पे एक ट्रेडिशनल मेथड है, होम मतलब एक हैंडमेड मेथड है जिसके द्वारा गुड़ या जिगरी का निर्माण है, जिगरी का निर्माण है वो किया जाता है, उसको अभी GI Tech है वो दिया गया है। तो इडुकी का जो मारायूर जिगरी है उसको GI Tech दिया गया, ये है कंटेक्स्ट। GI Tech कौन सी मिनिस्ट्री देती है, GI Tech देती है, देखो मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत GI Tech है वो दिया जाता है।
आप बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका नाम अभी चेंज किया गया था, काफी न्यूज में भी रहा है, बताइए उस डिपार्टमेंट का नाम। जीआई टैग कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, काफी बार हमने डिस्कस भी किया है, तो ये कंटेक्स्ट तो देखो हमने यहाँ पे कवर है वो कर लिया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो दिया करें। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का देखो मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है कि उस ज्योग्राफी वो चीज फेमस है और उसी के नाम से वो चीज है वो चल रही है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जीआई टैग है वो दिया जाता है। अब होगा क्या, अगर इडुकी के जो जो गुड़ है जिगरी है इसको जीआई टैग मिल गया, इसका मतलब क्या है कि इस नाम का गुड़ है वो कोई दूसरी जगह से नहीं बेचा सकता, इसी एरिया में जो लोकल तरीके से गुड़ बनाया जाता है वो केवल यहीं का जीआई टैग मिलेगा, तो उसकी क्वालिटी इंश्योर की जा सकती है कि हाँ भाई ये जीआई टैग है, इस चीज को तो ऑब्वियसली वही किया। जिस तरीके से आसाम की चाय होती है दार्जिलिंग की चाय, इसका मतलब क्या है कि आसाम दार्जिलिंग की चाय केवल उस नाम से वो वहां के जो लोग हैं वही बेच सकते हैं जो वहां पे प्रोड्यूस की जाती है। ऐसा नहीं कि बाहर कोई आदमी आके बाहर से किसी भी चाय खरीदी उसने आसाम की चाय का ठप्पा लगा के दार्जिलिंग का बेचते, वो कहीं ना कहीं क्राइम होता है और उसके अगेंस्ट उनको सजा भी मिल सकती है। तो जीआई टैग मेनली जो ज्योग्राफिकल एरिया में जो चीज वहां की फेमस होती है उसको प्रोवाइड है वो करवाया जाता है, ताकि एक इंडिकेशन मिल जाए कि भाई इस एरिया की ये चीज फेमस है। जिससे जैसे गुजरात जो सॉरी वेस्ट बंगाल के भी रसगुल्लों को जीआई टैग है वो मिला था कुछ टाइम पहले, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में उसको लेके फाइट भी चल रही थी। तो देखो जो ये इडुकी का जो जिंगरिया गुड़ है इसमें मतलब कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह यूज नहीं किया जाता है, सारे होममेड या जो नेचुरल मेथड्स होते हैं उनका यूज है वो किया जाता है, मतलब मशीनरी का यूज है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2019। देखो हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है वो मनाया जाता है। अब पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई 8 मार्च ही क्यों सिलेक्ट है वो क्या गया। देखो बात ऐसी है, 8 मार्च 1917 को रशिया में आपको पता है रिवॉल्यूशन चल रही थी उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, तो उस दौरान क्या हुआ था 8 मार्च 1917 में रशिया में जो वुमेन थी, हम बात करें महिला थी, उनको इलेक्शन राइट या वोट के अधिकार है वो दिया गया था, और इसी के बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है वो मनाया जाता है। तो ये तो हुआ फैक्ट कि भाई 8 मार्च को ही क्यों। अब हम बात करें इस बार के जो इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी इस बार की बैलेंस फॉर बेटर, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है #बैलेंस फॉर बेटर। कंटेक्स्ट वैसे हमने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल वुमेन डे वो हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट है वो किया जाता है। मोटो क्या है इसका, इसका मोटो ये है कि हमारे देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वुमेन है उनके उनको अप्रिशिएट करना, उनको प्रमोट करना, इसके साथ ही उनकी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में उसको सबके सामने लेके आना, और वुमेन्स का जो भी अचीवमेंट है सोशल सेक्टर में हो चाहे इकोनॉमिक में हो चाहे कल्चरल में हो चाहे पोलिटिकल अचीवमेंट्स हो उनको अप्रिशिएट करना, उनको सेलिब्रेट करना, ये होता है इंटरनेशनल वुमेन डे का मोटो। हिस्ट्री की जैसे हम बात करें बैकग्राउंड की, तो देखो 1909 से बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन डे की स्टार्टिंग है वो हुई थी, बट जो 8 मार्च की डेट है वो 1917 के बाद डिक्लेयर की गई थी कि भाई हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे वो मनाया जाएगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे क्लियर किया। 1909 में हुआ क्या था, यूएस के अंतर्गत एक लेबर की मतलब अचीव मूवमेंट हुई थी वुमेन लेबर की, लगभग 15,000 फीमेल एम्प्लॉय थी वो स्ट्राइक पे गई थी न्यूयॉर्क सिटी में। क्यों, क्योंकि उस एरिया में क्या हो रहा था न्यूयॉर्क में कि जो वर्किंग कंडीशन थी वुमेन के लिए वो काफी खराब थी, मतलब उनको जिस एरिया में काम करना पड़ता था वो बहुत ही घटिया किस्म का था, काफी उनको भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो स्ट्राइक पे गई थी, और उसके बाद में ही कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी यूनाइटेड नेशन में, और फिर इसको एक तरीके से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल वुमेन डे वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2009 के बाद जो 1909 के बाद जो मतलब 1910 आया था उस 1910 में इंटरनेशनल वुमेन डे वो स्टार्ट हो गया था, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेके। हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पानी वाले प्रोजेक्ट है इनकी बात की गई है जिससे पानी से बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो देखो इसको बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें कैपेसिटी के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये 5 टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा स्मॉल, चौथा मेगा और पांचवा थर्मल प्रोजेक्ट की बात हम करें। अब है क्या क्या ये वो हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट वो होते हैं जो 100 किलोवाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं माइक्रो। मिनी का मतलब होता है कि 100 से यानी 101 से लेकर 2 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो हो जाते हैं मिनी। स्मॉल का मतलब होता है कि 2 मेगावाट से ज्यादा और 25 मेगावाट से कम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो हो जाते हैं स्मॉल में। और बाद में बात आती है मेगा, मेगा का मतलब होता है कि 25 से तो ज्यादा और 500 से कम, मतलब 500 तक के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होंगे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट, उनको कहा जाएगा मेगा। थर्मल प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट से ज्यादा होती है। लेकिन और लेकिन यहाँ पे ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 25 मेगावाट
ध्यान रखना 25 मेगावाट से कम इलेक्ट्रिसिटी या कम जो प्रोजेक्ट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, उन प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंक्लूड है, वो अंदर अकाउंट है, वो क्या जाता है रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में रखा जाता है। ये इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। स्मॉल माइक्रो नैनो वगैरह हमें पता होना चाहिए कि भाई मिनी कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, माइक्रो कौन सा है। यूपीएससी देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो प्लीज आप इनका ध्यान में रखना क्योंकि इसमें कई बार चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो अभी जो हमें ध्यान में रखना है कि माइक्रो की रेंज है वो 100 किलोवाट तक होती है, मिनी की रेंज है वो 2 मेगावाट तक, स्मॉल की होती है 25 मेगावाट। और जो 25 मेगावाट तक के जो तीनों तरह के प्रोजेक्ट हो गए, माइक्रो, मिनी और स्मॉल, ये प्रोजेक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में काउंट है, वो कह जाते हैं। ये आपको फिर ध्यान में रखना है। यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे जैसे कि 500 मेगावाट का लिखा जो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में आएगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आएगा, 25 मेगावाट तक ही आते हैं। ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन को लेके। देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन है वो आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंतर ही एक्चुअली उसी का एक पार्ट है। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जो उसके चार पांच पार्ट हैं वो बने हुए हैं, उनमें से एक पार्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन। कंटेक्स्ट ये आया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी जो बोर्ड बनाया गया था इंडिया में, उसने अभी एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के द्वारा। किस लिए? ताकि हमारे देश में जो भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टसी के घोटाले केसेस होते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, उनसे हमें निजात है वो मिल सके, मतलब हमें गाइडेंस मिल सके और उनको हम रोक सके। ये तो था कंटेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन यानी आईएफसी है वो वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट हो डेवलपिंग कंट्रीज में उसको फोकस करना, मेनली ये इसका फोकस है वो रहता है। इन्वेस्टमेंट करता है, एडवाइस देने का काम करता है, इसका एसेट मैनेजमेंट का भी इसका काम है वो होता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देता है? जी हाँ बिल्कुल, ये प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट है वो करता है। मेनली फोकस किस पे रहता है? डेवलपिंग कंट्रीज के पास। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री के पास ऑलरेडी पैसा है तो उनको तो जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे इसका फोकस है वो रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ये इसका एक पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। ये हेडक्वार्टर वगैरह तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसको 1956 में बनाया गया था, ये आपको फैक्ट में ध्यान में रखना है। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के लिए मेनली एक इम्पोर्टेंट आर्म थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जो कि प्राइवेट सेक्टर को कोई भी एडवाइस देनी हो, इन्वेस्टमेंट संबंधी हो, फिर एसेट मैनेजमेंट का काम हो, वो सारे इसके द्वारा किए जाते हैं। अगर मेन फोकस की बात करें वर्ल्ड बैंक का तो क्या आपको पता है? रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट डेवलपमेंट। तो ये थी आज की हमारी न्यूज डिस्कशन। तो फिलहाल की न्यूज डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।